नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछली बार हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 14.4 को स्टार्ट किया था, जिसके बीच में क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर तीन में आपको करा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दो करने वाला है, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि तोरण का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। फिर हमने आपको बताया था तोरण दो तरह का होता है, कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार का तोरण। कल हमने दोनों को प्लॉट करना भी आपको सिखाया था। कल हमने आपको एक चीज और बताई थी कि हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी बारंबारता बंटन का माध्यक निकालने के लिए। तो आज इस क्वेश्चन में हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपसे क्या कहता है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रिकॉर्ड किए गए, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण बनाइए। ठीक है, हम लोगों को कम प्रकार का तोरण बनाना है और इसके बाद जो उसका माध्यक है वो ज्ञात करना है। हमें दे रखा है भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था 14.3 के अंदर, हमने आपको सिखाया था जब हमें ये दिया होता है 38 से कम 40 से कम। कहने का मतलब इसका मतलब हम लोगों को बारंबारता बंटन को से कम प्रकार का बारंबारता बंटन जो है वो पहले से दे रखा। और जो ये वाली बारंबारता है, ये वाली बारंबारता कैसी है, ये वाली बारंबारता हमारे पास संचयी बारंबारता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CF बोलते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा हमने आपको सिखाया था जब भी हम लोग से कम प्रकार के बंटन में बदलते हैं तो यहां पे जो भी लिखा होता है वो क्या होती है, ऊपरी सीमा, क्योंकि जो भी कम होगा ऊपरी सीमा से कम होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से बना हुआ दे रखा है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तोरण खींचना है, तो हम लोग तोरण खींचते हैं। तो हम लोग इसका तोरण कैसे खींचेंगे, ये ध्यान से देखने वाली बात है। आप ग्राफ पेपर लेंगे, उस ग्राफ पेपर के अंदर ऐसे करके दो लाइनें बनाएंगे। ये हमारे पास जीरो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी जिसको हम लिखेंगे 38, यहां मैं लिखूंगा 40, उसके बाद मेरे पास क्या है 42, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है 44, फिर मेरे पास क्या है 46, फिर हमारे पास है 48, फिर उसके बाद क्या है 50, और फिर हमारे पास क्या है 52। यहां पे लिखते हैं संचयी बारंबारता, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो संचयी बारंबारता 35 तक जा रही है, तो भाई आप 10-10 का गैप ले लो, ये 10 आ गया, उसके बाद 20, फिर हमारे पास आएगा 30, फिर आप इसको देखोगे 40 और ये लेंगे 50। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संचयी बारंबारता है। ठीक है, जो ये वाली चीज हमने बनाई है, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, संचयी बारंबारता, और जो ये वाली चीज हमारे पास है इसका जो नाम होता है वो क्या है, ऊपरी सीमा। तो ये हमारे पास ऊपरी सीमा है, ये हमारे पास संचयी बारंबारता है। अब एक एक करके इन बिंदुओं को मिलाना है, तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो सबसे पहला क्या है, 38.0। ठीक है, जो सबसे पहला बिंदु हमें देखना है वो 38.0 है। तो 38 कहां दिख रहा है, 38 यहां दिख रहा है, तो ये 38.0। इससे पहले एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, 0 और 38 में 38 का गैप है, 40 और 38 में 2 का गैप है, तो गैप सेम नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पे किंक बना देते हैं। किंक बनाने का मतलब है सबका गैप एक जैसा नहीं है। तो 38 में 0 आ गया, उसके बाद अगला क्या कहता है, अगला पॉइंट में आपसे कहता है 40 में कितना है 3, तो ये 40 हमारे पास है 3 पॉइंट लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिर आपसे कहते हैं 42 में कितना है, 42 में 5 है, तो 42 में गए, जब 42 में जाएंगे तो इस 3 से 1-2 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 42 में 5 हो गया। 44 में कितना है, 9 है, तो ये 44 है, और 44 के ऊपर जब 9 देखेंगे तो 9 जो है वो लगभग लगभग यहां पे आएगा। फिर 46 में कितना है, 14, तो 46 ये है, और जो 14 हमारे पास आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ए ये वाला बिंदु लगा दो, ये 46.14। उसके बाद क्या कहते हैं, 48 में कितना है, 28 है, तो हमने देखा 48 पे कितना है, 28 ए यहां पे 48 पे हमारे पास 28 के बराबर है। ठीक है जी, उसके बाद 50 पे कितना है, 32, तो 50 पे कितना है 32, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर ए ये 32। फिर आपसे कहते हैं 52 पे कितना है, 52 पे हमारे पास कितना है, 52 पे हमारे पास 35 के बराबर है, तो ये सारे बिंदु बन जाएंगे। फिर आपको उम्मीद होगी हमने सिखाया था कि कैसे करते हैं, फ्री एंड कर्विंग करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके इसको आपस में मिलाना शुरू कर दिया, ए ऐसे करके, तो ये जो हमारे पास बना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं से
कम प्रकार का तोरण। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास क्या है, से कम प्रकार का तोरण, ये हमारे पास जो बना इसको बोलते हैं से कम प्रकार का तोरण। ठीक है जी, ये तो हमने कल भी सीखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेन मुद्दा क्या है, आज मेन मुद्दा यह कि इसका इस्तेमाल करके माध्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जब आपको माध्यक निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, एन बटे दो निकालते हैं। इसमें एन का मान कितना है, 35 है, तो आप इसको लिखो 35/2। तो जब आप इसको काटोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 17.5। अब हम लोगों को संचयी बारंबारता में जाना है, और संचयी बारंबारता में जाके देखना है, या तो 17.5 मिल जाए क्योंकि पूरा मिल जाएगा। तो आप देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होगा। तो जो ये 17.5 है वो किसके बीच में होगा, 17 और 18 के बीच में, तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8, तो ये यहां पे होगा। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 17.5 है। किसको देखा, संचयी बारंबारता को। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, किससे, स्केल से। अब आपको क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, किससे खींचनी है, स्केल से खींचनी है। ठीक है जी, यहां तक खींच लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल से आप इसको नीचे की तरफ ऐसे करके मिला दोगे, कहां पे मिला दोगे, ए यहां पे। जो ये बिंदु आएगा, ये बिंदु हम लोगों को माध्यक देगा, ये हमें माध्यक देके जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने एन बाई टू निकाला, एन का मान 35 है, 35 को 2 से भाग करेंगे 17.5, इसमें जाएंगे 17.5 देखेंगे, 17.5 का मतलब है 17 और 18 के बीच में। यहां पे रखा, स्केल से एक लाइन मिला दी इसको, और यहां से फिर हमने एक्स अक्ष के ऊपर क्या किया, लंब गिरा दिया। ये लंब एक्स अक्ष को जहां पर जाकर मिलेगा, ये एक्स अक्ष को जहां पर जाकर मिलेगा, वो इसका क्या होगा, माध्यक होगा। तब आप ग्राफ पेपर से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब आप इसको ग्राफ पेपर से पढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 46.9 आपको दिख रहा होगा ना, 46 और 48 के बिल्कुल बीच में, तो लगभग लगभग 47 है, और 47 नहीं है तो 46.95 के आसपास है, जिसको आप लोग कह सकते हैं लगभग। और अगर आप इसको 47 भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, बस उसकी ब्रैकेट में लगभग लिखना मत भूलिए, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आप एग्जैक्टली देख पाओगे कि वैल्यू क्या आ रहा है। फिलहाल हमने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतना आइडिया लग रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 46 और 48 के बीच में है। तो 46 और 48 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 47 आता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, 46.95 या 47 है। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि सर जो इसका माध्यक आएगा वो 46.95 आएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 47 भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखना है तो आप इसको क्या लिख दो, लगभग लिख दो, तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो 47 के आसपास है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं बना रखा ना, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको यह भी कहा है कि आपको जांच करके दिखाना है कि जो आपने माध्यक निकाला है क्या वो माध्यक सही है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं और उस माध्यक निकालते हैं। चलिए जी, इसका एक बार हम लोग माध्यक निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जो हमने ग्राफ से निकाला था क्या वो सेम आता है। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसको सिंपल किसमें बदलना पड़ेगा, बारंबारता बंटन में। यहां पे 38 लिखा, यहां पे 40 लिखा, यहां पे 42 लिखा, हर एक में कितने कितने का गैप है, दो दो का। तो अब आप यहां पे लिखोगे, है ना, इसको सही बना लेंगे, क्या लिखोगे, भार किलोग्राम में, और यहां क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। अरे ठीक है, भार किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां पे आप लिखोगे 36 से लेकर 38। अगला क्या आएगा, 38 से लेकर 40। उससे अगला क्या आएगा, 40 से लेकर 42। उससे अगला क्या आएगा, 42 से लेके 44। फिर हमारे पास क्या है, 44 से लेके 46। फिर हमारे पास है 46 से लेके 48। फिर हमारे पास है 48 से लेके 50। और फिर हमारे पास आएगा 50 से लेके 52। अब सिंपल विद्यार्थियों की संख्या बनानी है, मैंने आपको सिखाया था, हर एक अगले वाले में से पिछले वाले को घटाते जाओ, बारंबारता आती जाएगी। तो 0 ऐसे का ऐसे, 3 में से 0 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 14 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 28 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा।
28 में से 32 में से 28 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 35 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, और जब आप इन सबका टोटल करोगे तो टोटल करके हमारे पास 35 आएगा। बेशक आप करके देख लो, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 14 28 और 4 32 और 3 35 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता बनानी है, तो आपको अच्छे से मालूम है। यहां पे लिख देता हूं मैं क्या CF, ठीक है A यहां पे लिख देता हूं CF, तो CF क्या है हमारे पास, सेम टू सेम यही उतार दो, 0 3 5 उसके बाद 9 और 5 14 और 14 28 और 4 32 और 3 क्या आएगा 35। जैसा आपको मालूम है इनका टोटल और ये लास्ट वाली टर्म सेम रहती है। ठीक है, फिर हमें क्या निकालनी होती है, हमें माध्यक वर्ग अंतराल निकालना होता है। तो माध्यक वर्ग अंतराल आप कैसे निकालते हो, n बटे 2 करके। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने निकाला n बटे 2, तो 35 बटे 2 इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा 17.5। अब हम लोग संचयी बारंबारता में जाएंगे और देखेंगे कि या तो हमें 17.5 मिले या फिर 17.5 से जो भी बड़ा है उसको ले लो। हम लोग इसके बीच में गए तो हमने जाके देखा क्या आपको 17.5 दिख रहा है, तो 17.5 तो है नहीं, तो 17.5 से बड़ा कौन है, 28 है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो भी वर्ग अंतराल आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास माध्यक वर्ग अंतराल होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि सर जो इसका माध्यक वर्ग अंतराल है, जो इसका माध्यक वर्ग अंतराल है वो किसके बराबर है, 46 से लेके 48 के बराबर है। ठीक है, अब आप यहां से एच निकाल लो, तो आप एच निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो, 48 में से 46 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यह आपको मालूम है एल का मान है, यह हमारे पास किसका मान है, एफ का मान है, और यह हमारे पास किसका मान है, सी का। तो आप यहां से लिखिए माध्यक, माध्यक बराबर होगा किसके, एल प्लस का एच बाय एफ एन बाय टू और माइनस का सी, ऐसे ही होता ना। अब इसमें एल का लगाओ, एल कितना है, एल हमारे पास है 46, एच का मान कितना है 2, एफ का मान कितना है, एफ का मान है 14, एन बटे 2 तो एन बटे 2 का मान है 35 बटे 2, और सी का मान कितना है, सी का मान हमारे पास कितना है 14 है। ठीक है, तो आप इसको लिखो क्या बनेगा, ये बनेगा 46 जमा में 2 बटे 14, इसका लघुत्तम ले लो तो हमारे पास क्या बनेगा, 35 माइनस का 28 और बटे में 2, तो इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 46, 35 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 7 बटे क्या आएगा 14। अरे भाई ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 बटे 2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 0.5। अरे भाई ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो ये हमारे पास 46.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप उसको ग्राफ पेपर से पढ़ेंगे तो ग्राफ पेपर से भी वो आपको 46.5 के आसपास नजर आएगा। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि वो हमारे पास 46 और 48 के बीच में, तो लगभग लगभग 47 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस के अंदर जो माध्यक आ रहा है वो क्या आ रहा है, लगभग लगभग सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, दोनों प्रकार से माध्यक लगभग, दोनों प्रकार से माध्यक लगभग एक समान है। अरे भाई ठीक है, आप किसी मर्जी तरीके से माध्यक निकाल लो वो एक समान है। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे ना, मैंने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया था, मुझे तो ऐसा लगा कि इसके आसपास का आईडिया आ रहा है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना, वो 46.5 के आसपास ही मिलेगा, वरना 46.5 और 46.9 कोई मतलब लगभग में हम इसको कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, दोनों के दोनों सेम आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो थे इसका माध्यक निकालना था, ये वाला तो हमने पहले भी कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता है, बस ग्राफ वाले पोर्शन में आपको एन बाय टू निकालना है। एन बाय टू निकाल के संचयी बारंबारता में जाके एक लाइन लगानी है और वो एक्स अक्ष को जहां पे भी काटेगी वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला को जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है उसको मैं बताता हूं और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलिए छोटे से कंसेप्ट को देखते हैं वो क्या है। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों से बोलता है कि हम लोगों को एक डाटा दे रखा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का, और उसमें आपसे बोलता है इसी के बीच में आपको से कम प्रकार का तोरण बनाना है और से अधिक प्रकार का तोरण बनाना है। तो मैंने आपको सिखाया था जो से कम प्रकार का तोरण होता है वो नीचे से ऊपर की तरह जाता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, से
कम प्रकार का तोरण, ठीक है, ये तो है से कम प्रकार का तोरण। और ये हमारे पास क्या है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये है से अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण। तो आपसे कहते हैं ये बताइए कि इसका माध्यक क्या होगा। तो इस केस में हम लोग इसका माध्यक क्या करते हैं, आप ये देखो कि ये से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का तोरण कहां पे काटता है एक दूसरे को, ये एक दूसरे को यहां पे काटता है। फिर आप क्या करोगे, आप यहां से एक्स अक्ष के ऊपर क्या करोगे, लंब गिराओगे। ये वाला लंब एक्स अक्ष को जहां पे भी काटेगा, ये वाला लंब एक्स अक्ष को जहां पे भी काटेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। तो कई बार ना हरियाणा बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां पे ये कहते हैं कि एक वर्गीकृत आंकड़े थे उसके अंदर हमने से कम प्रकार का तोरण खींचा, से अधिक प्रकार का तोरण खींचा, आपसे कहते हैं बताओ कि इसका माध्यक क्या आएगा। और वहां पे जैसे मान लो ये लिखा है 28.5, तो आपसे कहते हैं बताओ इसका माध्यक क्या आएगा। तो जब आप इसका माध्यक निकालोगे तो इसका जो माध्यक हमारे पास आएगा वो 28.5 आएगा। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अगर हम n बाय टू वाले तरीके से निकालेंगे तो क्या अलग आएगा, नहीं आएगा। जब आप n बाय टू निकालोगे तो n बाय टू यहां आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लाइन खींचोगे, यहां से x अक्ष को मिलाएंगे, तो कहने का मतलब ये x अक्ष को जहां पे भी काटेगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों एक चीज में भी बन सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक बारंबारता बंटन के आपको दोनों तोरण खींचने हैं और इकट्ठे एक ग्राफ में खींचने हैं तो बिल्कुल आप खींच सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उस केस में यहां पे ऊपरी निचली जितनी सीमाएं वो सारी ले लो, एक बार कम प्रकार का बना दो, एक बार अधिक प्रकार का तोरण बना दो। आपकी एक्सरसाइज में सबसे लास्ट एग्जाम्पल यही है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस मेरा कहने का मोटिव यह था कि एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग से कम प्रकार का तोरण भी बना सकते हैं और से अधिक प्रकार का तोरण बना के उसका माध्यक भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज जो हमने आपको पहले समझाई थी कि बहुलक, बहुलक हमारे पास बराबर होता है तीन माध्यिका, बहुलक हमारे पास बराबर होता है तीन माध्यिका और माइनस का दो माध्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है, तो आपको ये भी अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 तो जा वो बिल्कुल खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको 14वां चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बेहतरीन चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।